और सुन, ये प्याज कितने के दिए? प्याज मैम 70 रुपए किलो है। 70 रुपए किलो? दिमाग खराब है क्या तेरा? बाहर मंडी में सब 30, 40, 50 रुपए में दे रहे हैं, तो यहाँ रेट बढ़ा कर दे रही है। अरे नहीं नहीं मैम, प्याज आपको पता नहीं है 80-80 90 रुपए किलो मिल रहा है। आज आपको पता नहीं, प्याज के भाव तो सोने के भाव से भी ज्यादा तेज है, इसलिए हम थोड़ा कम ही लाए, 2 किलो लाए हम। तुझे क्या लगता है मुझे सब्जियों के बारे में पता नहीं है? अरे रोज सब्जियां लेकर आती हूँ मैं यहाँ, तो तब रुकी क्योंकि तू यहाँ पर बैठी हुई है, पास है मेरे घर के, वरना मुझे शौक नहीं तेरे पास यहाँ पर आने का। इसका ठीक ठीक रेट लगा, मैं लेके जाती हूँ फिर। अरे नहीं नहीं मैडम, प्याज में हम कुछ कम नहीं कर सकते, प्याज तो इसी रेट में देंगे। अजीब बदतमीजी है, बात समझ में नहीं आती है क्या? कम रेट कर दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चिल्ला क्यों रही हो मुझ पर? जब बोला मैंने कि 70 रुपए किलो तो 70 रुपए होगा ना। बदतमीज कहीं की, तेरी औकात भी मेरे सामने बोलने की? चपड़ चपड़ किए जा रही है, अपनी औकात में रहकर बोल, वरना तेरी सारा ठेला नहीं यहाँ से उठा के गिरूंगी। देखिए मैडम, आप ही बहुत बदतमीज होगी, जब बोला हमने 70 रुपए प्याज आपको नहीं लेना तो मत लीजिए ना, हम नहीं बेच रहे, जाइए। प्याज तो मैं लेकर आऊंगी, वो भी कम रेट में। अगर बात नहीं मानी ना तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगी, दोबारा दुकान नहीं लगा पाएगी यहाँ पर। मैडम मेरी बात सुनिए आप, आपको पता है ना जब 70 रुपए किलो प्याज है तो 70 रुपए ही दूंगी ना, इसे कम पैसे कैसे दे सकती हूँ मैं? अच्छे आलू का रेट बताओ। आलू 20 रुपए किलो है। 2 किलो पैक कर। चलो शुक्र है आपको कुछ तो मेरी बात में समझ में आया। वरना तो आप तो मेरे सर चढ़ रही थी, ये इतने रुपए किलो नहीं है। अरे मेरा मटर कहाँ गया? मुझे क्या पता कौन से मटर, मुझे तो यहाँ पे कोई मटर दिखी नहीं। अरे मेरा मटर कहाँ है? तो यही तो 5 किलो मटर रखे थे मैम। मुझसे क्या पूछ रही हूँ, मुझे क्या पता मैं तुम्हारे मटर लेकर घूम रही हूँ, तुम्हें कोई बैग दिख रहा है मेरे पास और तुम्हें लग क्या रहा मैंने चुरा तुम्हारे मटर? मैम आपके सिवा यहाँ कोई है ही नहीं, आप और एक मैं हूँ, तो कहाँ गए मेरे मटर? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुझे से 2 टके की औरत की यहाँ से मटर उठाऊंगी? इतनी गिरे हुए काम करूंगी मैं? चोर दिख रही तुम्हें शक्ल से? मेरी गोभी भी गायब है, यहाँ एक पीस और था, पूरे 4-5 किलो गोभी था। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ कोई बैग दिख रहा है? मेरे साथ यहाँ पर कोई दिख रहा है? मेरे पास कोई गाड़ी दिख रही है? नहीं ना, तो क्या? मैम लेकिन गए कहाँ मेरे पूरे 5 किलो मटर, मेरा एक गोभी का फूल? मुझे लगता है तुम्हें ना कोई दिमागी बीमारी है, इसीलिए ये सब बातें कर रही हो ना मैम, क्योंकि यहाँ पर कोई मटर ही नहीं थे। सच सच बता दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी, सच बता दीजिए। मुझे लगता है पुलिस को ना मुझे बुलाना चाहिए, इतने सारे पैसे दिख रहे हैं, कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे इतने सारे पैसे मेरे पास। तुम्हें लगता है ये मैं मटर चोरी करूंगी तुम्हारी? क्या मटर गोभी लगा रखा है तुमने? सब्जी देनी है दो, वरना ड्रामे मत करो, वरना अभी बताऊंगी तुम्हें, एक और थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पर, समझी? देखिए मैम मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं सब्जी के पैसे जुगते कर पाती हूँ, और उन पैसों से मैं सब्जी खरीदती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरी क्या गलती, मैं क्या करूँ इसमें? और एक बात बताओ, तुम क्या चाह रही हो, फ्री फंड में पैसे दूँ? जब मैंने कुछ चुराया नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, किस बात के पैसे दूँ तुझे मैं? ये ड्रामा मेरे सामने मत करियो, और तुम इसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हो, ये गरीबी का नाटक करके लोगों से पैसे हेंटते हो, लेकिन मैं पागल बनने वाली नहीं हूँ, समझ में आई? तुमने ड्रामा किसी और के सामने करना। मैम लेकिन आपके सिवा और मेरे सिवा यहाँ पे कोई नहीं था, मेरी सब्जी गायब हो गई है, आपको पता? एक बार में बस समझ में नहीं आ रही है, बोला ना मैंने नहीं चुराया, एक बार उसकी बात समझा, बोल दिया मैंने नहीं चुराया मतलब नहीं चुराया। अब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर तो मेरे पास मटर भी चुरा लिए। बकवास की ना, अभी सांस में उठा के फेंकूंगी, फेंकू? नहीं, ठीक है आप जाइए, मुझसे गलत फहमी हुई, शायद मैं मटर ला ही नहीं होंगी। दोबारा बदतमीजी की ना मेरे साथ, तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। भगवान मेरा क्या हो रहा है, सुबह सुबह क्या हो गया, इतना नुकसान हो गया। अबे क्या करूंगी, तू और बहुत भारी हो रहा, 5 दिन की सब्जी बन जाएगी इससे तो। देखो आराम से, वो बेचारी भी कितनी भोली थी ना, मेरे चावल में फंस गई, और तुझे पता है आज से मैंने उसके 2 दिन थप्पड़ मारे, हाथ भी मरोड़ा, और उस बेचारी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे ऐसा कौन सा बंदा जो आज तक तुझसे नहीं फंसा, तो है ही ऐसी है ना। और देख हम कितने माहिर है ना हाथ साफ करने में, अपना गोभी के पराठे बना दिए, और ठीक है तभी तो चोरी करा मैंने। वैसे काम तो हमारा सही है, ये नकली नोट दिखा के लोगों को ऐसे प्रिटेंड करते कि हमसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। सच बात तो ये है कि हम सबसे गरीब है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। सही बात है, ये फोन भी चुराया हुआ, ये कपड़े भी सस्ते से खरीदे हुए, लेकिन एक बात तुझे माननी पड़ेगी, मेरा ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, क्योंकि मैं बहुत अमीर जैसे कपड़े पहनती हूँ, लोगों को लगता है मैं सच में अमीर हूँ। और अच्छा हुआ हमने ये गाड़ी भी चुरा ली, ये गाड़ी भी कभी ना कभी हमारे काम ही आ जाएगी, हमें अमीर दिखाने के।
और एक और बात, अब ना एक आईफोन चुरा लियो मेरे लिए प्लीज। तू भी एंड्रॉइड चलाना, तेरे लिए आराम से लूंगी। अगर तुझे अभी आईफोन दे दिया ना तो तू अपनी वीडियोस बनाने में टाइम वेस्ट करेगी, काम पे तो ध्यान देगी नहीं। अभी छोटा फोन है ना तेरे पास, अभी बहाने से काम भी कर लेती है ढंग से। अगर अभी फोन दिला दिया ना तो हो गया हमारा काम। अभी बहुत पैसे कमाने हैं, ये नकली नोट नहीं असली नोट चाहिए हमें, ताकि हम असली नोट दिखा के थोड़ा फ्लैक्स मार सके। चल बैठ के आज। चल